ओके सो हम लोग का यहाँ तक हो गया। अब सिंपली आप क्या कर सकते हैं हम लोग कि यहाँ से देखो आर नॉट से आर नॉट भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको हो गया एन आर टू इक्वल क्या आ जाएगा, देखो आर नॉट प्लस आर टू आ जाएगा, ठीक है ना। एन आर टू इक्वल क्या आ गया, आर नॉट प्लस आर टू। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, देखो एन आर टू माइनस आर टू इक्वल टू आर नॉट, ठीक है। आर टू इसमें से कॉमन ले लूंगा तो क्या आ जाएगा एन माइनस वन, और ये हो जाएगा आर नॉट। आर टू की वैल्यू क्या आ गई, आर नॉट डिवाइडेड बाई एन माइनस वन। सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ आर टू, राइट। सो यू कैन डिजाइन बेस्ड ऑन दीज टू वैल्यूज आर वन एंड आर टू, यू कैन डिजाइन वॉट असिमेट्रिकल एटेन्यूएटर, राइट। सो पाई टाइप जो सॉरी एल टाइप जो असिमेट्रिकल एटेन्यूएटर है यू कैन डिजाइन इट, ठीक है ना। ये सिंपल है काफी। ऐसे ही आप ये जो हमने ये जो एनालिसिस करा है ये कैसे करा है, हमने ई एस बाई ई आर लेके किया है, ठीक है। असाइनमेंट क्या है, असाइनमेंट ये है कि आपको इसको किसमें करना है, आई एस बाई आई आर के टर्म्स में करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है। यस सर, यस सर, यस हाँ, सर, यस सर। इसमें आपको क्या करना है, सिंपली यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज, वेट, सो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ आर वन एंड आर टू इन टर्म्स ऑफ आई एस बाई आई आर, ठीक है ना। आप आई एस बाई आई आर से करके और आर वन आर टू डिराइव करोगे, ओके। सो ये हमारा एल टाइप एटेन्यूएटर है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा ये है कि हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने क्या देखा था कि जो पाई टाइप नेटवर्क होता है इट्स इजी टू डील विथ वोल्टेजेस, जो आपका टी टाइप होता है इट्स इजी टू डील विथ डील इन टर्म्स ऑफ करेंट्स। इसमें वोल्टेज और करंट दोनों लगभग लगभग एक ही उससे सॉल्व हो जाते हैं, ऐसा रीजन क्या है। आपने देखा था कि हम जो भी एल टाइप नेटवर्क होता है ना उसको हम दोनों से डिराइव कर सकते हैं, देखा था कितना इजीली, बस हमको कट करना था। 20 से कट कर दोगे एल टाइप को टी टाइप को तो क्या बन जाएगा, एल टाइप बन जाएगा। पाई को भी 20 से कट करोगे तब भी पाई बनेगा। दिस इज द रीजन करंट डिवीजन रूल एंड वोल्टेज डिवीजन रूल आर इजी टू इम्प्लीमेंट ऑन एल टाइप नेटवर्क, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी रीजनिंग है, आप सोचोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये क्यों ऐसा है, ठीक है। एनीवेज, तो ये हमारा वेट ये आपके स्क्रीन विजिबल है ना। हेलो, यस हाँ, सर, तो देखो यस सर, इससे हम लोगों का ये हो गया सारा, सबसे स्मॉल यूनिट है और काफी इंटरेस्टिंग भी है और काफी इजी भी है। तो ये आपका यूनिट इज ओवर। सो हमने क्या देखा, यूनिट्स ऑफ एटेन्यूएशन देखा, डेसिबल नेपर्स, ठीक है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटेन्यूएटर्स देखा, ठीक है, फिर एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ सिंपल एटेन्यूएटर्स ऑफ फॉलोइंग टाइप, सिमेट्रिकल टी, सिमेट्रिकल पाई एंड एल टाइप, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। इसको देखो प्रैक्टिस से आएगा ना, एनएफटीएल में यू हैव टू मीन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग थिंग्स, बिकॉज अगर मेरे को पता नहीं है कि ये जो आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं उसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन मेनली थ्योरेटिकल ही आते हैं, बट आप वहां जाके कहानी नहीं लिखोगे कि क्या होता है कैसे होता है। यू हैव टू जस्ट प्रूव योर एनालिटिक्स इन टर्म्स ऑफ योर नॉलेज, आपको जो एनालिटिकल और ये जो न्यूमेरिकल स्किल्स है वहां दिखाना है, ठीक है ना। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आप इसको प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। अब हम लोग का है, हम लोग का नेटवर्क्स वाला सेक्शन पूरा ओवर हो गया, ठीक है ना। इस सब्जेक्ट का क्या नाम है, सब्जेक्ट का नेम है हमारा नेटवर्क फिल्टर्स एंड ट्रांसमिशन लाइन्स, राइट। सो हमारा नेटवर्क का पोर्शन इज ऑलमोस्ट ओवर, नाउ वी आर गोइंग टू स्विच टू फिल्टर्स, ठीक है ना। सेकेंड हमारा जो पिलर है इसका, इस सब्जेक्ट का, वो है हमारा फिल्टर्स, राइट। सो हम आज फिल्टर्स के बारे में स्टार्ट करते हैं और फिर इसको अगले भी टर्न पे कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद फिल्टर्स, ठीक है। तो देखो फिल्टर्स के बारे में शायद हम लोग थोड़ा बहुत पिछले उसमें ईडीसी में पढ़ चुके हैं। सो कोई बताएगा व्हाट इज फिल्टर, व्हाट इज अ फिल्टर, एनीवन?
फिल्टर क्या होता है? सर जो अनवांटेड सिग्नल को ब्लॉक कर दे और वांटेड सिग्नल को अलाउ करे, उसको फिल्टर कहते हैं। ओके एक काम करें, नाम भी बता देना यार, मेरे को पता नहीं चलता है कौन बोल रहा है। उसी ने माला शर्मा। हाँ तो इन्होंने क्या बोला कि जो आपका वांटेड सिग्नल को अलाउ करता है और अनवांटेड सिग्नल को फिल्टर करता है, मतलब उसको स्टॉप कर देता है, रोक देता है, ठीक है ना। तो इट इज कॉल्ड फिल्टर। वैसे सिग्नल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर की भी वो बात ही नहीं कर रहे। कोई भी फिल्टर होता है वो क्या होता है, मेनली टू फिल्टर आउट सर्टेन थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करो वाटर फिल्टर का, तो वाटर फिल्टर क्या करता है कि जो भी कॉन्टामिनेशंस होते हैं, वाटर कॉन्टामिनेशंस होते हैं, या फिर जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं, पैथोजेंस होते हैं, उनको क्या करता है, फिल्टर करेगा और जो एक्चुअल जो सही वाला वाटर है उसको फिर मतलब बाहर सप्लाई करता है, ठीक है। तो ऐसे कोई भी फिल्टर हो सकता है। सो फिल्टर इज ऑल अबाउट फिल्टरिंग थिंग्स बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो जो यहाँ पे हम लोग फिल्टर की बात कर रहे हैं, सो दीज फिल्टर्स आर गोइंग टू डील विद सिग्नल्स, राइट। ये किससे डील करने वाला है, सिग्नल से डील करने वाला है, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सो एक केस हम लोग देखते हैं। सपोज करो कि आप एज ए ह्यूमन, ठीक है, तो सपोज करो आप कि आप बोल रहे हो, सपोज करो आप बोल रहे हो, टेलीफोन है आपका, टेलीफोन कैसे बनेगा, पुराने जमाने वाले बनाता हूँ, ऐसे कुछ होता था ना, ये आपका टेलीफोन है, इसमें ऐसे वायर होता था, ठीक है, ये टेलीफोन है आपका। अब आपको क्या करना है कि आपको कम्युनिकेट करना है किसी दूसरे बंदे से, वेट, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, वेट वन सेकंड, ठीक है। तो सपोज करो कि एक कोई, अभी दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, यस सर हाँ, तो ऐसे जब मैं मेरे को स्विच करना होता है ना, एक बार बोल दो, याद नहीं आ रहा था, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। एनीवेज तो देखो, अगर हमको कम्युनिकेट करना है कहाँ से, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है ना, तो यहाँ पे कोई है, यहाँ पे कोई है, ऐसे ये है और यहाँ पे कोई है ऐसे, ठीक है। अब ये दोनों ए और बी कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं आपस में, ठीक है ना, ये लाइन से कनेक्टेड है, एक लाइन से कनेक्टेड है ऐसे, ठीक है। अब होगा क्या कि जो कम्युनिकेशन होता है ना, इसका जो वॉइस फ्रिक्वेंसी होगा इस ए का, वेट, इसका जो ये जो बात करेगा, इसका जो वॉइस फ्रिक्वेंसी, वॉइस जो होगा, इसका वॉइस का फ्रीक्वेंसी का रेंज कितना होगा, ये बताएगा, वॉइस जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी रेंज कितनी होती है, कहां से कहां तक हो सकता है, थ्री हंड्रेड हर्ट्ज से 3.4 किलोहर्ट्ज़, 20 हर्ट्ज़ से 20 किलोहर्ट्ज़ कौन बोला, वो ऑडियो फ्रीक्वेंसी। ये हमेशा ये छोटी छोटी चीजें है ना, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, ये कोई भी आपको फिर इसमें मतलब यार ये तो बेसिक्स है ना, ये आपको पता होना चाहिए। जो एक होता है ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज, जो आप फ्रीक्वेंसी सुन सकते हो, मतलब योर ईयर्स आर सेंसिटिव एनफ टू लिसन टू दोज फ्रीक्वेंसीज, तो आपके कान है इतने सेंसिटिव है कि उन फ्रीक्वेंसीज को सुन सकते हैं, वी कॉल इट एज ऑडियो फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। ऑडियो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ऐसी फ्रीक्वेंसीज जिन फ्रीक्वेंसी को आप सुन सकते हो कान से, उसको बोलते हैं ऑडियो फ्रीक्वेंसी। और उसका रेंज कितना होता है, 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है ना, इतनी चीज सुन सकते हो। लेकिन जो चीज आप सुन सकते हो, ऐसा थोड़ी वो चीज बोल भी सकते हो, ऐसा पॉसिबल है क्या? आप इंस्ट्रूमेंट सुनते हो, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, अब वैसा आप बोल थोड़ी सकते हो। हाँ, कुछ लोग मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं, बट आप कॉपी, बहुत हाई पिच इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यू कांट कॉपी दैट, ठीक है ना, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट हाई पिच इतने होते हैं कि उनका जो फ्रीक्वेंसी है मैक्सिमम 20 किलोहर्ट्ज़ तक जा सकता है। अब आपका जो वॉइस फ्रीक्वेंसी का रेंज उतना आपका नहीं है, मैक्सिमम रेंज कितना हो सकता है, 3.4 किलोहर्ट्ज़। वो भी जो गर्ल्स होती है ना, उनके फ्रीक्वेंसी का रेंज
ज्यादा होता है, उनका जो स्पैम होता है ज्यादा होता है. जैसे लड़की कोई बोलेगी तो उनके ऑडियो क्वालिटीज की, मतलब ऑडियो की एक क्वालिटी होती है कि दे हैव हायर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स कंपेयर टू अ मैन या फिर कंपेयर टू अ बॉय. ठीक है ना, एक लड़के से या फिर एक आदमी से किसी लड़की की या किसी औरत का जो फ्रिक्वेंसी का रेंज होता है वो ज्यादा होता है. ठीक है ना, तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है. वॉइस फ्रिक्वेंसी इज डिफरेंट थिंग, ऑडियो फ्रिक्वेंसी इज डिफरेंट थिंग. ऑडियो फ्रिक्वेंसी में मतलब वो फ्रिक्वेंसी जो आप अपने कानों से सुन सकते हो, वॉइस फ्रिक्वेंसी जो अपने मुंह से आप बोल सकते हो. ठीक है ना, तो जो 20 किलो हर्ट्ज बोला ना, तो आप यू कांट गो एंड स्पीक विद 20 किलो हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी. अगर आप बोल सकते हो तो फिर तो कोई इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बजाने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने मुंह से ही सब कुछ बजा लोगे. ठीक है ना, मतलब यू कैन यूज योर sort of sounds, you can use your voice to make any kind of sounds which are audible to human being. ठीक है ना, जो भी human being को सुनाई दे सकते हैं. ठीक है, तो ध्यान रखना है जो voice की frequency कहाँ से कहाँ तक होती है, हमेशा याद रख लेना है. ठीक है ना, इसको भूलना नहीं है. तुम लोग इस semester में communication engineering है ना, उसमें तो ही पढ़े होगे. तुम लोग principle of communication engineering है ना इस बार? Yes sir, है. हाँ ठीक है. Anyways, तो देखो 300 जो आपका वॉइस फ्रिक्वेंसी रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 300 हर्ट्ज से 3.4 किलो हर्ट्ज होता है. और ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज कितना होता है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज. ये याद करना है. ठीक है ना, ये याद करना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ये दिमाग में बल जला लो इसको, इसके लिए भी. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए. अब सपोज करो कि ए जो है ए बात करना चाह रहा है बी से. ठीक है, और ए के बगल में यहाँ पे डीजे बज रहा है. ठीक है ना, डीजे नहीं बोलेंगे, कोई साउंड बहुत बड़ा सा, कोई ऑर्केस्ट्रा या फिर कोई साउंड सिस्टम है यहाँ पे. ठीक है ना, बहुत बड़ा सा, और ये आवाज़ कर रहा है. ठीक है ना, कोई भी आपका ऑडियो सिस्टम है, ऑडियो सिस्टम वो आवाज़ कर रहा है, और इसको बात करनी है ए से बी से. मतलब ए जो है ए को किससे बात करनी है, बी से बात करनी है. तो क्या करेगा ए जो बात करेगा, इसके फ्रीक्वेंसी का रेंज कितना है, इसका जो फ्रीक्वेंसी का रेंज है 300 हर्ट्ज से 3.0 किलो हर्ट्ज. लेकिन आपको पता है जो भी ऑडियो सिस्टम है, ठीक है ना, तो ऑडियो सिस्टम में कुछ सिस्टम्स होते हैं ना जो बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसीज के साउंड रेडिएट करते हैं. ठीक है ना, हाई फ्रिक्वेंसी के साउंड, मैक्सिमम हाई फ्रिक्वेंसी वो कितनी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी हो सकती है जिसके साउंड को आप सुन सकते हो, 20 किलो हर्ट्ज. तो आप एक जुगाड़ तो लगा सकते हो. क्या जुगाड़ लगा सकते हो, कि आप कुछ ऐसा करो कि जो ये बंदा है ना, इसके बात, इसकी जो वॉयस की फ्रिक्वेंसी है वो क्या हो, केवल वही जाए आगे, ये जो लाइन है वही केवल उस पर जाए, और बाकी का जो ऑडियो सिस्टम है जो कहाँ तक, कहाँ के साउंड को, सपोज करो कि ये 10 किलो हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज का साउंड निकाल रहा है. ठीक है, अगर ये भी, ये अगर साउंड चला गया 10 किलो हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज का, अगर साउंड सपोज करो कि इस लाइन पे चला गया, तो क्या होगा, बी तो उसको सुन ही लेगा, सुन लेगा ना. क्यों सुन लेगा, क्योंकि बी की ऑडियो रेंज कितनी है, बी भी कोई बंदा ही होगा, तो उसका ऑडियो फ्रिक्वेंसी का रेंज कितना है, सुनने की मतलब उसकी क्षमता कितनी तक है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज. और ये जो ऑडियो सिस्टम है कहां तक प्रोड्यूस कर रहा है, 10 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज का. मतलब क्या है कि ये बोल रहा होगा, उसके साथ साथ ये ऑडियो सिस्टम की आवाज भी इसको सुनाई दे रही होगी बी को. ठीक है ना, बी को किसकी आवाज सुनाई दे रही होगी, ऑडियो सिस्टम की भी. क्यों सुनाई दे रही होगी, क्योंकि जो ऑडियो सिस्टम है वो कौन सा फ्रिक्वेंसी एमिट कर रहा है, कौन सी फ्रिक्वेंसी रेडिएट कर रहा है, 10 किलो हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज का फ्रिक्वेंसी रेडिएट कर रहा है. तो ये तो ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज है, तो ऑडिबल है तो बी तो सुन ही रहेगा, क्योंकि ये लाइन पे आ गई है. तो प्रॉब्लम क्या होगी कि जो ए बोल रहा होगा बी को सुनाई नहीं देगा. ठीक है, सो ये एक मैं सिंपल सा सिचुएशन बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे सिचुएशन हो सकते हैं. ठीक है ना, ए फॉर जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये मैंने बताया, एक कंसर्न समझ में आ गया. अब आपको क्या करना है, अब आपको एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करना है कि क्या करे ना, कि केवल ए की ही फ्रिक्वेंसी, ए जो है इसी की फ्रिक्वेंसी क्या हो, इस लाइन पे जाए, इसके वॉइस की जो फ्रिक्वेंसी है. तो इसकी वॉइस की फ्रिक्वेंसी कहाँ तक है, मैक्सिमम लिमिट इसकी कहाँ तक है, 3.4 किलो हर्ट्ज. ठीक है ना, इसको मैं अप्रोक्सीमेट कर लेता हूँ, मान लो 4 किलो हर्ट्ज. ठीक है ना, इसको मैं क्या अप्रोक्सीमेट कर लूंगा, 3.4 है, मैं थोड़ा सा सेफ साइड ले लेता हूँ, चलो ज्यादा सुनने वाला आदमी है, ज्यादा फ्रिक्वेंसी सुन लिया उसने.
ठीक है, जैसे अभी किसी ने बताया था वो 20 किलोहर्ट्ज़ तक सुन रही थी, बोल रही थी राधा, ठीक है ना। तो सपोज करो कोई है ऐसे ही बंदा जो 3.4 को भी पार करके 4 किलोहर्ट्ज़ तक की आवाज़ें निकाल लिया, ठीक है। तो सपोज करा कि ये जो ए है वो कहाँ तक, मैक्सिमम कितनी फ्रिक्वेंसी की वॉइस सिग्नल को बोल सकता है, मतलब ये है 4 किलोहर्ट्ज़, मैंने एज्यूम कर लिया है, ये एजम्पशन है, ठीक है ना। एक्चुअल में 3.4 से ज्यादा अभी तक रिकॉर्ड नहीं करा गया है, ठीक है ना। लेकिन अगर सपोज करा उसके अंदर कुछ मतलब है, तो उसने चलो 4 किलोहर्ट्ज़ में मान लेता हूँ ना, अप्रोक्सीमेट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं कुछ ऐसा जुगाड़ लगाऊं कि ना 0 से 4 तक की ना, 0 से 4 किलोहर्ट्ज़ तक की ही फ्रिक्वेंसी क्या हो इस लाइन पे जाए, और बाकी का जो फ्रिक्वेंसी है 4 किलोहर्ट्ज़ के ऊपर वाला वो क्या हो, ब्लॉक हो जाए या ड्रॉप हो जाए, ठीक है ना। समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसा जब मैं करूंगा तो क्या होगा, 10 से 20 किलोहर्ट्ज़ वाला फ्रिक्वेंसी इधर ही आएगा 4 किलोहर्ट्ज़ से ऊपर वाले में, तो 10 से 20 किलोहर्ट्ज़ वाला फ्रिक्वेंसी क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा। 10 से 20 किलोहर्ट्ज़ वाला फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा यहीं पे, और बाकी का 4 किलोहर्ट्ज़ वाला फ्रिक्वेंसी इस लाइन पे प्लेस्ड होगा और ये फिर बी को चला जाएगा और बी आराम से उसकी आवाज सुन लेगा, ठीक है। सिचुएशन समझ में आ गया? तो इसमें हम इस सिचुएशन समझ में आया किसी को, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. इस समझ में आया यार, पूछ रहा हूँ भाई, अगर नहीं पढ़ना है तो बता दो। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। आज का मैं क्लास ड्रॉप कर रहा हूँ।